नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता हैप्पी टर्मी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कला ऑमलेट की रेसिपी। अगर आप सुबह सुबह एकदम प्रोटीन पैक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी में चार अलग तरीके के अंडे की रेसिपीज़ का प्लेटर सर्व किया जाता है और इसको आसानी से घर में कैसे बनाया जाए ये मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर। आज की रेसिपी में जो पहली रेसिपी है वो है ऑमलेट की रेसिपी। ऑमलेट की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ प्याज एक बड़ी चम्मच, एक बड़ी चम्मच टमाटर बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ही आप इसमें अंडे डालिएगा, तो इस वजह से आपका जो अंडे है और मसाला का जो मिश्रण है वो परफेक्ट बनेगा। आपके ऑमलेट में यूनिफॉर्मली सब चीज़ों का फ्लेवर आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए कि जो अंडे का येलो वाला पार्ट है, मतलब योक है, वो और वाइट पार्ट मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक बार आपका ऑमलेट वाला मिश्रण तैयार हो जाए तो उसके बाद पैन में दो बड़ी चम्मच तेल डाल लीजिए और आपने जो मिश्रण बनाकर रखा हुआ है वो इसमें फैला लीजिए अच्छी तरह से। अभी जो गैस की फ्लेम है इसको मीडियम पे रखा है मैंने, और जब मैं इसको अच्छी तरह से फैला लूँगी उसके बाद इसको मैं लो फ्लेम पे कर लूँगी। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से फैल गया, अब इसको लो फ्लेम पे कर लेंगे। लो फ्लेम पे 3 मिनट इसको पकाने के बाद अब मैं इसको पलट दूँगी। यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से हल्के से नीचे तक डालकर इसको पलट दीजिए। पलटने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे ही 1 मिनट तक पका लेंगे। तो ये ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है। एकदम सिंपल इजी रेसिपी है। ऑमलेट बनने के बाद ऑमलेट जो है इसको आप निकाल कर रख लीजिए प्लेट में, और हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है इस प्लेटर के वो बना लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है भुर्जी की रेसिपी। तो भुर्जी के लिए यहाँ पर मैंने सेम पैन का यूज़ किया है। इस पैन में हम वापस 2 बड़ी चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल डालने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। यहाँ पे एक बड़ा प्याज मैंने बारीक काट कर यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ कर सकते हैं। फिर इनको मीडियम फ्लेम पे ही मैं भून रही हूँ, तो प्याज को जो है ना थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक हमें भून लेना है। देखिए यहाँ पे प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट होते ही इसमें मैंने एक टमाटर बारीक काट कर डाल दिया। अब टमाटर का जो पोर्शन है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको टमाटर ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कटी हुई डाली। अब इनको हम अच्छी तरह से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक। 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और बारीक कटी हुई हरी धनिया डाली है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि ये जो मसाला जो हमने डाला है वो भी थोड़ा सा तेल में इसका कलर उतर कर आ जाए और भुन भी जाए। हमारे जो प्याज और टमाटर है उनके साथ ये इसका फ्लेवर अच्छी तरह से उतर कर आ जाए। एक बार ये थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। करीब 2 बड़े चम्मच मैंने पानी डाल लिया है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको मैं अब इसको इस तरह से स्टर करते हुए पकाऊंगी। तो पानी डालने की वजह से 2 फायदे होते हैं। जो टमाटर है वो थोड़ा जल्दी पक जाता है और जो मसाले हैं वो ज़्यादा जलते नहीं हैं। अब ये अच्छी तरह से इसमें का पानी सूख गया और जो टमाटर है वो भी अच्छी तरह से पक गया है। तो इसमें का आधा जो पोर्शन है वो हम निकाल कर रख लेंगे और बाकी का जो आधा है वो हम भुर्जी के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ही बार में 2 रेसिपी के लिए मसाला बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने आधा पोर्शन निकाल लिया और जो बचा हुआ पोर्शन था आधा उसको बीच में ले आई हूँ और अब इसमें मैं एक अंडा फोड़कर डाल रही हूँ। तो यहाँ पे अंडा डालने के बाद आप इसके हिसाब से नमक डाल लीजिए स्वाद अनुसार। हमने जो मसाला है उसमें बिल्कुल नमक का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस स्टेज पे हमने नमक डाला और मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए आपको इसको पकाना है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो अंडा है वो अच्छी तरह से प्याज और टमाटर वाले मिश्रण में मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा ड्राई भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा अंडा काफ़ी हद तक पक चुका है। मीडियम फ्लेम पे ही ये प्रोसेस मैं कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी जो भुर्जी है वो बनकर तैयार हो गई। तो इसको भी मैंने निकाल लिया। अब जो अगली रेसिपी है वो है बॉयल्ड एग फ्राई। बॉयल्ड एग फ्राई बनाने के लिए हम सेम पैन में हमने जो बना कर रखा हुआ मसाला था वो डाल लेंगे। उसमें फिर
रफली चॉप कर कर दो उबले अंडे डाल लेंगे। अंडे के ऊपर स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। और अब ये जो मसाला और अंडे हमने डाले हुए हैं, इनको चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे हमें मिक्स कर लेना है। ये प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे ना करें, नहीं तो ये जलने के चांसेस होते हैं। एक बार अंडा और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद आप इसमें करीब 2 बड़े चम्मच पानी डाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल लिया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इसको पतला या थोड़ा सा ग्रेवी जैसा खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स किया और एक उबाल आने दिया। उबाल आने के बाद इसको निकाल लिया। अब सेम पैन में हमने 2 ब्रेड की स्लाइस डाल ली हैं और इस पैन में जो भी लगा हुआ मसाला है वो स्लाइस को हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है, तो इस वजह से जो मसाला है वो भी अच्छी तरह से स्लाइस पे लग जाता है और ब्रेड को भी एक अंडे का फ्लेवर आ जाता है। फिर इसमें मैंने बटर डाला। आप यहाँ पे घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे ड्राई रोस्ट करना चाहते हैं तो वैसे ही कर कर भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से मैंने मेरे जो ब्रेड स्लाइस हैं उनको अच्छी तरह से रोस्ट किया और अब ये जो रोस्टेड ब्रेड स्लाइस हैं इनको भी निकाल लूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी रेसिपी की ओर। आखिरी जो रेसिपी है वो है हाफ़ फ्राई की रेसिपी। हाफ़ फ्राई की रेसिपी के लिए मैंने सेम पैन में 1 बड़े चम्मच तेल डाल लिया है और यहाँ पे एक अंडा जो है उसको मैं फोड़ कर डाल रही हूँ। यहाँ पे अंडा फोड़ते समय थोड़ा सा केयरफुली फोड़ना है क्योंकि इसका जो योक है वो बिल्कुल फटना नहीं चाहिए, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। अंडा फोड़ कर डालने के बाद गैस को लो फ्लेम पे कर लीजिए क्योंकि हमें यहाँ पे योक को भी थोड़ा सा पकाना है और नीचे के जो हिस्सा है वो ना जले इसका ख्याल रखना है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया, थोड़ी सी धनिया स्प्रिंकल की और अब साइड से थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इस वजह से जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं और योक जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैंने करीब 3 मिनट पकाया है और ये परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है, तो इसको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद हम बढ़ते हैं इसकी सर्विंग की ओर। तो ये प्लेटर सर्व करते समय पहले आप हमने जो बॉइल्ड एग का बना कर रखा था रेसिपी वो पहले रख लीजिए, उसके साइड में अंडा भुर्जी जो हमने बना कर रखी थी वो रख लीजिए, फिर हमने जो बनाया हुआ ऑमलेट है वो इन दोनों के सामने रख लीजिए और हमने जो बनाया हुआ हाफ फ्राई है वो इन दोनों के ऊपर रख लीजिए और आखिर में 2 ब्रेड स्लाइस रख लीजिए। ये आपका अंडा का प्लेटर या घोटाला ऑमलेट बनकर तैयार है। तो अगर ट्राई करने के बाद दोस्तों ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।